प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 22वें अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदिमाता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दुहग भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ द्वाविंशो अध्याय। शीर्षक देहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब कर्दम मुनि ने संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया तो उन्होंने उन निवृत्त परायण मुनि से कुछ सकुचा कर कहा। मनु जी ने कहा, मुने, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेद में विग्रह की रक्षा के लिए तप विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है और फिर उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपनी सहस्त्र भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। अतः एक ही शरीर के संबंध होने के कारण अपनी अपनी एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में श्री हरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार हैं। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के स्वयं ही प्रजा पालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अजितेंद्रिय पुरुषों को बहुत ही दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपके दर्शन हुए और मैं आपके चरणों की मंगलमय रज अपने सिर पर चढ़ा सका। मेरे भाग्य उदय हो गए। आपने मुझे राजधर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है और मैंने भी सुख प्रारब्ध का उदय होने से ही आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी है। मुने, इस कन्या के स्नेहवश मेरे चित्त बहुत ही चिंता से ग्रस्त हो रहा है, अतः मुझ दीन की यह प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुने। यह मेरी कन्या जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहिन है, अवस्थाशील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके सील विद्या रूप आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। दिजवर, मैं आपकी बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पण करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थोचित कार्यों के लिए सब प्रकार से आपके योग्य है। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुषों को भी उचित नहीं है। फिर विषय आसक्ति की तो बात ही क्या है। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर कर फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरों के तिरस्कार से मान भंग भी होता है। विद्वान, मैंने सुना है कि आप विवाह करने के लिए उद्धत हैं। आपका ब्रह्माचार्य एक सीमा तक है, आप नैशिष्ट ब्रह्मचारी तो नहीं है, इसीलिए आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए, मैं इसे आपको अर्पण करता हूँ। श्री कर्दम मुनि ने कहा कि ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कन्या का अभी किसी के साथ वागदान नहीं हुआ है, इसीलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा विधि से विवाह होना उचित है। राजन, वेदोक्त विवाह विधि से प्रसिद्ध जो गृहणामिते इत्यादि मंत्रों में बताया हुआ काम आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने में सफल होगा। भला जो आपकी अंग कांति से आभूषण आदि की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही है, आपके उस कन्या का कौन आदर ना करेगा। एक बार यह अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा पैरों के पाजेब मधुर झनकार करते जाते थे। उस समय इसे देखकर विश्वावसु गंधर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा था। वही इस समय यहाँ आकर प्रार्थना कर रही है कि ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष उसे स्वीकार नहीं करेगा। यह तो साक्षात आप महाराज श्री स्वामभू मनु की दुलारी कन्या और उत्तानपाद की प्यारी बहन है तथा यह रमणियों में रत्न के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की, उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता। अतः मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त है। जब तक इससे संतान ना हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्म अनुसार इसके साथ रहूंगा। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान
हिंसा रहित सम दम आदि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रय से ही यह स्थित है। मुझे तो वे प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि प्रचंड धनुर्धर विदुर कर्दम जी केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदय में भगवान कमल नाभ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंद हास्ययुक्त मुख कमल को देखकर देहूति का चित्र लुभा गया। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शत्रुपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न कर्दम जी को उन्हीं के समान गुणवंती कन्या का प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया। महारानी शत्रुपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत ही बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और गृहस्थ स्तोचित पत्र आदि दहेज में दान दिए। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। चलती बार उसका वियोग ना सह सकने के कारण उन्होंने उत्कंठावश विचलित हृदय से होकर उसे अपनी छाती से लगा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उनसे उन्होंने देहूति के सिर के सारे बाल भिगो दिए। फिर वे मुनिवर कर्दम से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर रानी सहित रथ पर सवार हुए और अपने सेवकों सहित ऋषिकुल से विद सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनियों के आश्रमों की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में चले गए। जब ब्रह्मावर्त की प्रजा को यह समाचार मिला कि उनके स्वामी आ रहे हैं, तब वह अत्यंत आनंदित होकर स्तुति गीत एवं बाजे गाजे के साथ अगवानी करने के लिए ब्रह्मावर्त की राजधानी से बाहर आए। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त बरहिस्मती नगरी मनु जी की राजधानी थी, जहां पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कांपते समय श्री बरा भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। वे रोम निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और कास हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना की है। भगवान मनु ने भी श्री बरा भगवान के भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान को कुश और कास की बरही बिछा कर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस बरहिस्मती पुरी में मनु जी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रिप्ताप नाशक भवन में प्रवेश किया। वहां अपनी भार्या और संतति सहित वे धर्म अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातः काल होने पर गंधर्वगण अपनी स्त्रियों सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनु जी उसमें आसक्त ना होकर प्रेम पूर्ण हृदय से श्रीहरि की कथाएं ही सुना करते थे। वे इच्छा अनुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत परायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते थे। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण ध्यान और रचना निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंतर को व्यथित करने वाले क्षण भी कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। इस प्रकार अपनी जागृत आदि तीनों अवस्थाओं में अथवा तीनों गुणों से अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव की कथा प्रसंग में अपने मनवंत्र के 71 चतुर्युग पूरे किए थे। व्यास नंदन विदुर जी जो पुरुष श्रीहरि के आश्रित रहता है, उसे शारीरिक मानसिक और दैविक मानसिक और भौतिक दुख किस प्रकार से कष्ट पहुंचा सकते हैं। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्यों तथा समस्त वर्ण आश्रमों के अनेक प्रकार से मंगलमय धर्मों का वर्णन किया है, जो मनु संहिता के रूप में अब भी उपलब्ध है। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे, यह मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है। अब उनकी कन्या देहूति का प्रभाव सुनो। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध का 22वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं और विस्तार पूर्वक यूं ही वर्णन सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को यह अध्याय कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी, हर हर महादेव।